हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म सहजादा की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की एक्शन ड्रामा फिल्म अला वैकुंठा पुरामलू की रिमेक होगी, जिसे वरुण धवन के भाई रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे। काफी पहले खबरें आई थी कि अला वैकुंठा पुरामलू को हिंदी में रिमेक किया जाएगा, तो जी हाँ, अब इस रिमेक फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इस फिल्म को 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा, जहां कार्तिक आर्यन फिल्म के लीड रोल में हैं, वहीं कृति सेनन, परेश रावल, मनीषा कोयराला, रोनित रॉय और सचिन खेड़कर सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। तो अगर आप अला वैकुंठा पुरामलू के हिंदी रिमेक का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपको एक साल और इंतजार करना होगा। अक्षय कुमार ने एक और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बन रही फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म रक्षा बंधन की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं और ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। अभी अक्षय कुमार की करीब 6 फिल्में पूरी तरह से कंप्लीट हैं, जिसमें से एक फिल्म इस साल रिलीज होगी, वहीं 4 फिल्में 2022 में रिलीज होंगी जिनकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। एक फिल्म की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है। तो आप अक्षय कुमार की किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या विराट कोहली की बायोपिक बनने वाली है? जी हां, आज सुबह से ही ये न्यूज काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बात ऐसी है कि तेलुगु स्टार अखिल अकिनेनी अपनी अपकमिंग फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर का प्रमोशन कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि वो एक स्पोर्ट बायोपिक करना पसंद करेंगे। और आगे जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विराट कोहली की बायोपिक करना पसंद करेंगे, क्योंकि विराट कोहली की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव और रोमांच से भरी हुई है, इसीलिए अखिल ने विराट कोहली की बायोपिक करने की इच्छा जाहिर की है। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली की बायोपिक बनेगी, क्योंकि अभी ऐसी और कोई खबर नहीं आई है। हाँ, फ्यूचर में जरूर हो सकता है। आज यानी कि 13 अक्टूबर को पूजा हेगड़े के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्मों का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। जैसे कि राधे श्याम का ये वाला पोस्टर रिलीज किया गया है, वहीं आचार्य फिल्म का भी एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। ये दोनों बड़ी फिल्में 2022 में रिलीज होंगी। सिद्धार्थ और सर्वानंद की अपकमिंग रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म महासमुद्रम को आने वाले टाइम नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। अभी फिल्म 14 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है, उसके कुछ दिनों के बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया जाएगा। देखते हैं कि फिल्म हिंदी में आती है या नहीं। होम एलोन फ्रेंचाइज की 6th फिल्म होम स्वीट होम एलोन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये ट्रेलर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया गया है। ट्रेलर काफी ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ है। अब अगर आपने होम एलोन फ्रेंचाइज की फिल्में देखी हैं, तो आप तो जानते ही होंगे कि इस फिल्म में हमें किस तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, ये फिल्म भी कुछ उसी तरह से होने वाली है। अगले खबर की बात करें तो स्क्विड गेम ने पिछली सभी नेटफ्लिक्स सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी ये सीरीज नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है। स्क्विड गेम को पिछले 28 दिनों में 111 मिलियन व्यूज मिले हैं। जी हाँ, 111 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए 2022 में नेटफ्लिक्स कोरियन सीरीज और फिल्मों पर $500 मिलियन खर्च करने वाला है। यानी कि 2022 में कई बड़ी कोरियन सीरीज और फिल्में नेटफ्लिक्स पर आने वाली हैं। और आपको तो पता ही है कि हम सभी छोटी बड़ी जानकारी फिल्मी टॉक के एपिसोड में देते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि स्क्विड गेम का कौन सा गेम आप खेलना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।